मेरे दुकान से मुझे पता चला कि एक अजनबी मुझे ढूंढ रहा था। पैसा और पावर तो रावण के पास भी नहीं है, तू क्या चीज है? सनी देओल के फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी, क्योंकि गदर 3 की रिलीज डेट पर आया बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 ने साल 2023 में बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया। और ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल था, जिसे अनिल शर्मा ने फ्लोर पर 22 साल के बाद लाया। और अब मेकर्स इन दोनों ही पार्ट के ब्लॉकबस्टर होने की वजह से गदर 3 लाने का प्लान भी कर लिया है। और तो और इसकी रिलीज डेट भी सामने आ गई है। लेकिन सनी के फैंस के साथ साथ दर्शकों को भी डर है कि पहले के बाद दूसरे पार्ट को बनाने में 22 साल लग गए और अब कहीं तीसरे पार्ट को भी आने में समय ना लग जाए। लेकिन आपको बता दे दोस्तों कि मेकर्स ने लोगों के डर को खत्म कर दिया है और इसकी रिलीज डेट पर बड़ा अपडेट दे दिया है। जी हाँ, आपको बता दे दोस्तों कि डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कुछ दिनों पहले ही अपनी नई फिल्म वनवास की अनाउंसमेंट की थी। और इस फिल्म में उनके खुद के बेटे उत्कर्ष शर्मा, नाना पाटेकर, सिमरत कौर और राजपाल यादव जैसे कलाकार शामिल हैं। तो वहीं उनकी दूसरी फिल्म अपने 2 भी बन रही है। और अपने 2 की शूटिंग के बाद ही अनिल शर्मा गदर 3 पर काम शुरू करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो अनिल शर्मा की गदर 3 का इंतजार फैंस को अच्छा खासा लंबा करना पड़ सकता है। और ये फिल्म 2026 तक भी फ्लोर पर नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले जो और फिल्में अनिल लेकर आ रहे हैं वो फैंस को जल्द ही सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अनिल शर्मा की तरफ से तो ये साफ हो चुका है कि गदर 3 2026 के बाद ही सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी।